हेलो सेकंड क्लास, हाउ आर यू ऑल। हमने फर्स्ट टर्म में कौन कौन से पार्ट पढ़े थे? विद्या का धन, नंबर टू मित्र की सहायता, नंबर थ्री दो राहगीर, नंबर फोर क्रिकेट मैच। आज हम सेकंड टर्म में कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? बुद्धि की परीक्षा। कहानी पेज नंबर 1919। ओके, ओपन योर बुक। पार्ट पांचवा, कहानी बुद्धि की परीक्षा। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसने सारा जीवन कठोर परिश्रम करके धन कमाया था। उसके दो बेटे थे, विनोद और प्रमोद। विनोद बड़ा और प्रमोद छोटा था। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसने सारा जीवन अपना कठोर परिश्रम मेहनत करके धन को कमाया था। उसके दो बेटे थे, विनोद बड़ा और प्रमोद छोटा था। व्यापारी अब बूढ़ा हो गया था। वह अपने धन को दोनों बेटों में बांटना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि व्यापार की जिम्मेदारी उस बेटे को सौंप दे जो दोनों में से अधिक बुद्धिमान हो और उसके व्यापार को आगे बढ़ाए। उसकी समस्या ये भी थी कि वह कैसे पता लगाए कि दोनों बेटों में कौन सा अधिक बुद्धिमान है। वह कई दिनों तक सोचता रहा। फिर उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें 100-100 रुपए दिए और कहा, इन रुपए को लेकर बाज़ार जाओ और इनसे कोई ऐसी वस्तु खरीदो जो सारे घर को भर दे। व्यापारी जो बूढ़ा हो गया था, वह अपना धन दोनों बेटों में बांटना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि उसके व्यापार की जिम्मेदारी उस बेटे को दूं जो अधिक बुद्धिमान हो। वह उसकी ये समस्या थी कि अपने दोनों बेटों में से कैसे पता चलाऊं कि कौन सा बेटा अधिक बुद्धिमान है जो मेरे व्यापार को आगे बढ़ा सके। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों को 100-100 रुपए दिए और उनसे कहा कि ये लो पैसे, बाज़ार जाओ, कोई ऐसी वस्तु में कोई ऐसी चीज़ खरीद के लेके आओ जो सारे घर को भर दे। दोनों बेटे अपने पिता की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। व्यापारी ने बड़ी गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। अब तुम जाओ और ध्यान रखना कि तुम्हें 100 रुपए से अधिक खर्च नहीं करना है। दोनों भाई रुपए लेकर कमरे से बाहर चले आए। बड़ा भाई विनोद पैसे लेकर सीधा बाज़ार की ओर चल पड़ा। वह बहुत देर तक बाज़ार में घूमता रहा पर उसे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जो पूरा घर भर देती। जब वह निराश होकर घर चलने ही वाला था तो उसे घास से भरी एक गाड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि इससे शायद काम बन जाए। वह गाड़ी वाले के पास गया। दोनों बेटों ने अपने पिताजी की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। व्यापारी ने बड़ी गंभीरता से कहा कि मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ और तुम्हें ये ध्यान रखना है कि 100 रुपए से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने। दोनों भाई पैसे लेके कमरे से बाहर चले गए। जो बड़ा भाई विनोद था वो पैसे लेके सीधा बाज़ार की ओर चल पड़ा और बाज़ार में कई घूमता रहा। कितनी देर तक घूमता रहा, वह उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जो पूरा घर भर देती। फिर उसे शाम घर आते समय उसे एक घास से भरी हुई एक गाड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि इससे शायद मेरा काम बन जाए। वह गाड़ी वाले के पास चला गया। काफ़ी देर तक मोल भाव करने के बाद अंत में गाड़ी वाला 100 रुपए में सारी घास देने को तैयार हो गया। विनोद खुशी खुशी गाड़ी लेकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर जब घास उतरवाया तो उससे आंगन का फर्श भी नहीं ढका। सारा घर तो क्या भरता। काफ़ी देर तक उसने
गाड़ी वाले से मोल भाव किया। अंत में गाड़ी वाला 100 रुपये में पूरी घास देने के लिए तैयार हो गया, जिससे विनोद खुश हो गया कि ये घास से पूरा मेरा घर बन जाएगा। बट उस घास से उसका आंगन का फर्श तक ना ढका। ओके, व्यापारी का दूसरा बेटा प्रमोद बाजार नहीं गया। वह अपने कमरे में बैठकर काफ़ी देर तक सोचता रहा। वह अपने पिता की कही हुई बात का असली भाव समझने की कोशिश करता रहा। सोचते सोचते शाम हो गई। तभी अचानक उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। वह तुरंत उठा और बाजार की ओर चल दिया। प्रमोद सीधा मोमबत्तियों की दुकान पर पहुंचा। उसने 100 रुपये की मोमबत्तियाँ खरीद ली। मोल भाव करके 100 रुपये में बहुत मोमबत्तियाँ आ गई। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। उसका भाई घर के आंगन में निराश बैठा हुआ था। प्रमोद ने पूरे घर में अंधेरा कर दिया। उसने घर के प्रत्येक कमरे में 4-5 मोमबत्तियाँ जला दी। सारा घर प्रकाश में रोशनी से भर गया। यह देखकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसे खुशी थी कि उसके बेटे को उसकी कही हुई बात का सही मतलब समझ आ गया था। वह बोला, बेटे, इस बुद्धि की परीक्षा में तुम सफल हुए। आज से मेरे व्यापार की देखभाल तुम ही करोगे। इतना कहकर व्यापारी ने उसे गले से लगा लिया। ये व्यापारी ने अपने सबसे छोटे बच्चे को इस व्यापार की जिम्मेदारी दे दी थी कि शिक्षा सच्ची बुद्धि ही जीवन में प्रकाश फैलाती है। ओके, ये आप लोगों ने लेसन याद करना है। ओके, थैंक यू।